स्वाति विहार कॉलोनी में सोमवार दोपहर एक सूखा पेड़ वहां खेल रहे बच्चों पर गिर गया, जिसमें 3 बच्चे घायल हो गए। गनीमत रही कि कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। पेड़ गिरने से रहवासियों में आक्रोश है। 1.5 महीने पहले ही रहवासियों ने नगर निगम को पेड़ काटने के लिए आवेदन दिया था, लेकिन निगम के उद्यान विभाग की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिसका नतीजा यह हुआ कि बच्चों की जान बर्बाद आई। दरअसल वार्ड 48 की स्वाति विहार कॉलोनी के बगीचे में पिछले कई महीनों से गुलमोहर और यूकेलिप्टिस के 2 सूखे पेड़ गिरने की स्थिति में थे। रहवासियों ने 1 फरवरी को लिखित शिकायत नगर निगम के उद्यान विभाग को की थी। तब उन्हें जल्द ही पेड़ काटने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन 1.5 माह बाद भी पेड़ नहीं काटे गए। इसका नतीजा यह हुआ कि सोमवार दोपहर करीब 2 बजे मकान नंबर 7, 15, 16 और 17 के सामने बगीचे के पास 5 बच्चे खेल रहे थे, तभी पेड़ भरभरा कर उन पर गिर गया। 2 बच्चे तो बच गए, लेकिन 13 साल के अंशुमन पिता वीरेंद्र सिंह, 14 वर्षीय अनुराग पिता संतोष बैरागी और आदित्य पिता वीरेंद्र सिंह सिसोदिया चपेट में आ गए, जिन्हें मामूली चोट आई है। इस घटना से क्षेत्रवासियों में रोष है। कॉलोनी वासियों ने बताया कि बगीचे की दयनीय स्थिति के बारे में क्षेत्रीय पार्षद अंशु अग्रवाल को भी बता चुके हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद में यहां नहीं आई। यहां पर 2 सूखे पेड़ थे, जिसकी मैंने 1 फरवरी 2022 को नगर निगम में शिकायत की थी और अवगत कराया था कि पेड़ सूखे हैं, कभी भी गिर सकते हैं, दुर्घटना हो सकती है। इसके पश्चात मैंने पार्षद महोदय को भी समय समय पर अवगत कराया और उद्यान प्रभारी मैडम हैं, नाम है उनका बिंदु कोसर मैडम जी को भी मैंने समय समय पर अवगत कराया। उन्होंने जो है पेड़ कटवाने के लिए आश्वासन तो दिया, लेकिन पिछले करीब 14-15 महीने बीतने के बाद भी उन्होंने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की और आज अचानक ये पेड़ गिर गया। पेड़ गिरने के सड़क के ऊपर 5 बच्चे जो है बैडमिंटन खेल रहे थे, तो पेड़ गिरने की अचानक जोर से आवाज़ आने की वजह से भगदड़ मची। 2 बच्चे तो निकल गए, लेकिन 3 बच्चे पेड़ की चपेट में आ गए, जिनके नाम जो है आदित्य प्रताप सिंह, अंशुमन और एक दूसरा नाम सरने मालूम है बैरागी जी हैं। इन तीनों को चोट लगी है और ये इनका इलाज चल रहा है। मेरे को मालूम पड़ा है, बड़ा दुख का विषय है कि बच्चों को एक आग में लगी है, बच्चा और घायल हुआ है। एक बच्चे को देख रहा है, दूसरे बच्चे को देखने जा रहा हूँ। हाँ, मैंने देखा ना बच्चों को, दोनों को नहीं बताया गया था, पर ये हरा झाड़ होने के कारण इसकी परमिशन नहीं मिल रही थी। हाँ, उसकी जानकारी थी और अपने अधिकारी को बता रखा था, पर कुछ साधनों की कमी कारण ये हो नहीं पाया। अभी देखता हूँ, मैंने अभी कुछ देखा नहीं है। अभी जो मैंने अभी सामने ही ये समस्या, इसको दूर करवा रहा हूँ।